नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ, और आज भी हमारा मुद्दा वही है, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। उत्तर प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर के न्यूज लगातार खबरों को उठा रहा है, और सूबा बोलेगा कार्यक्रम में हमने मुहिम छेड़ रखी है। के न्यूज की मुहिम का असर भी देखने को मिला है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को चुनौती देकर अब विकास कार्यों में सभी अधिकारी जुट जाएं। सूबे की खराब सड़कों की हालत पर संज्ञान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। नवरात्रि से पहले चमचमाती मिली सड़कें, सूबा बोलेगा में के न्यूज की मुहिम। तस्वीरें दिखी खराब सड़कों की हालात, के न्यूज की मुहिम का दमदार असर। के न्यूज ने जो कही वही सही। उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत कैसी है, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। के न्यूज की मुहिम लगातार खराब सड़कों को लेकर अब रंग लाने लगी है, क्योंकि सूबा बोलेगा कार्यक्रम में घटिया सड़कों की तस्वीरें दिखाकर सूबे की सरकार को हमने जगा दिया है। हम ये देखते हैं कि विदेशों में बहुत ही नई तकनीक से सड़कें बनाई जाती है, बहुत जल्दी और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही कम वक्त में सड़कें तैयार हो जाती है, और हम यहाँ पे देखते हैं तो लंबे वक्त से सड़क बन रही है, मजदूर लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जब सड़क बनके निकलती है तो उसकी स्थिति ये होती है कि कुछ ही महीनों में उसमें गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं। हम और आप रोज रूबरू भी होते हैं सड़कों की खराब हालत से, तो लगातार हम कल से ये मुद्दा लेकर आए हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हमें तरह तरह के वीडियो भी भेज रहे हैं लोग, और जो मूल बात है, दरअसल लगातार खराब सड़कों की तस्वीरें देखने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही अधिकारियों को खराब सड़कों पर काम करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया। एक न्यूज की मुहिम का असर है कि मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नवरात्रि से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। अगर कहीं की सड़कों में लापरवाही बरती गई तो जिले के अधिकारियों की खैर नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण की चुनौती का सामना करते हुए विकास की गति पर जोर देना होगा, क्योंकि बरसात का मौसम निकल चुका है और सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बहरहाल के न्यूज की खबर का ही असर कहेंगे, क्योंकि सूबा बोलेगा कार्यक्रम में मुहिम छेड़ी थी और अब उसका असर देखा भी जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कें जब तक गड्ढा मुक्त नहीं हो जाती, तब तक के न्यूज की मुहिम लगातार जारी रहेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। लेकिन इस बीच हर जगह की सड़कों का हाल भी हम आपको दिखाएंगे। बांदा आपको लेके चलते हैं। बांदा जिले में सड़कों का हाल बहुत बेहाल है। यहां सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में यहां पर भी सड़क है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो औरन से अतर्रा को जाने वाली मेन रोड की है, और इस रोड से निकलने वाले जान जोखिम में डालकर यहां से निकल रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार यहां पे हो रहा है, जिस पर प्रशासन की अभी तक नजर नहीं पड़ी है। तो हमारी मुहिम लगातार जारी है। यूपी में सड़कें खस्ताहाल हैं। सड़क का हालात देखकर आदम गोडवी जी का एक शायरी मुझे याद आती है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये शायरी इसलिए याद आती है क्योंकि सड़क का विकास बस कागजों तक सीमित है,
धरातल पर गड्ढा मुक्त अभियान दिखाई नहीं देता। राहगीर और ग्रामीण बताते हैं कि आए दिन इस सड़क में गड्ढे होने के कारण सड़क हादसे होते रहते हैं। ये सड़क दलदल में तब्दील हो चुकी है। अगर आपको की तरफ से यात्रा आप कर रहे हैं तो कब और कहां पर फंस जाएं ये कह नहीं सकते। जी मानवर, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये पूर्णतः जो है गड्ढे से भरा हुआ है, जगह जगह गड्ढे हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि छोटी गाड़ियां तो इसी में बिल्कुल रख जाती हैं। आने जाने बहुत बड़ी समस्या है। ये मार्ग गौरा चौराहा से जनपद मुख्यालय बलरामपुर को जाता है जो कि पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है और यही मार्ग फिर पीछे जनपद सिद्धार्थनगर को भी जाता है, वहाँ पर भी पूरी रोड जो है ध्वस्त है। परेशानी यहाँ गौरा पे ये दिक्कत है कि गौरा में जो चारों तरफ का रोड है, जो मेन चौराहा है, एकदम नाली में तब्दील हो चुका। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। अभी कल परसों की बात है, यहाँ टैक्सी पलट गई थी और आज से नहीं, आज से मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र इतनी उम्र है, इससे पहले भी मैं देख रहा हूँ ये जैसे का था वैसे था और भाजपा का सरकार चला इसमें भी ऐसे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पूरा चौराहा एकदम नाली में तब्दील हो चुका है। जैसे योगी सरकार गड्ढा मुक्त का दावा कर रही है तो इस पे क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही गौरा चौराहे में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। योगी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान एकदम नकारा साबित दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सड़कों में एकदम गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही से बस कागजों तक केवल गड्ढा मुक्त अभियान सीमित रह गया है और रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड एकदम तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं इतने नहीं, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जिसमें राहगीर रोज का आना जाना है उनका, वो एकदम उससे सध चुके हैं कि अब इसी रास्ते से आना जाना है। ना उनकी कोई सुन रहा है, ना ही विकास की तरफ कोई ध्यान दे रहा है, क्योंकि गड्ढा मुक्त अभियान एकदम नकारा साबित हो रहा है। बलरामपुर, नीरज शुक्ला, के न्यूज इंडिया। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगातार निर्माण के काम चल रहा है। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, मशीनों से शहर के विभिन्न जगहों को खोदा भी जा रहा है, मगर अभी अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनने में कितना वक्त लगेगा ये बात अभी तय नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज शहरवासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर शहर में से गुजरना पड़ता है। बताया जाता है कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उन गड्ढों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है और ये वजह जाम का कारक भी बनी है। ऐसा ही हाल अलीगढ़ शहर के गुड़िया बाग का भी है, जहां पर पिछले दिनों जलकल विभाग द्वारा पानी के पाइपों को बिछाया जा रहा है, परंतु इससे पहले सड़क में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं जिससे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का यहां पर कहना है कि पिछले हफ्ते इस सड़क को खोदा गया परंतु अभी तक यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके कारण इलाके में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो चोटिल भी हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बांदा की सड़कों का भी हमने आपको हाल दिखाया और अलीगढ़ की तस्वीरें भी आपने देखी। यहाँ पे आम पब्लिक को सब दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे रोड पर टिर्री वगैरह सब की गिर रही है, परेशानी है, गड्ढे हो रहे हैं और कल जो है यहाँ पे दो तीन लेडीज भी गिर पड़ी थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे उनके भी चोट आई है। परेशानी ये नहीं हमको भी नहीं है, सब मतलब आम पब्लिक को भी परेशानी है। पिछले कई दिनों से लगातार काम चल रहा है और आमजन को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और जो काम ठेकेदार द्वारा जो हो रहा है ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है जिससे लोगों को मालूम हो सके भाई यहाँ काम चल रहा है। यहाँ ये बताते हैं सीवर की कोई लाइन पड़ रही है जल निगम द्वारा, लेकिन जनता को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बस पूछो मत आप लोग। तो साफ तौर पर इन सब के बीच हमारी खबर का असर भी हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि नवरात्र से पहले सभी सड़कें बन जानी चाहिए, लेकिन क्या इस आदेशों को नीचे के अधिकारी मानेंगे? क्योंकि इससे पहले भी सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि तमाम जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन गड्ढा युक्त वो सड़कें हो गई। इस बार के आदेश का असर क्या होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच हम मुहिम लगातार उठाए हुए हैं, उस पर सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है। आप भी लगातार इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने नंबरों पे कॉल किया और आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंची, वो प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर ए के अग्रवाल, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी शुक्ला, पूर्व चीफ इंजीनियर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन जी, हमारी मुहिम का असर हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है, क्या कहेंगे सर?
पे दुश्वारियाँ हैं उनको हम तक पहुँचाते हैं। और वास्तव में अगर देखने वाली चीज़ है कि लोगों ने बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बड़ी संख्या में दर्शकों ने हमें फ़ोन किए। ये जो एक्शन हुआ है उन दर्शकों की पहल से हुआ है, तो मैं सबसे पहले ऐसे दर्शकों को नमन करूंगा कि वो के न्यूज़ के सुधी दर्शक हैं, जागरूक दर्शक हैं, इसी तरह अपनी जागरूकता दिखाएँ। दूसरी बात, मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संवेदनशील हैं। अभी हमको ये मुद्दा उठाते हुए 3-4 दिन ही हुआ है, लेकिन कल ही उन्होंने जो मंडलों की समीक्षा बैठक शुरू की उसमें एजेंडे में ये गड्ढा मुक्त सड़कें का मसला था नहीं, लेकिन जैसे ही योगी जी के संज्ञान में आया कि वास्तव में सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है, बारिश के बाद सड़कें बहुत ऐसी हो गई हैं कि अब हादसे बढ़ेंगे, स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो उन्होंने तत्काल इस मसले को संज्ञान में लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवरात्र से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-5 दिन में ये अभियान दिखेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बेहद गंभीर हैं और इस बार जरा उनके तेवर अलग तरीके के हैं। जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार पर हथौड़ा चलाया है, चाहे IPS अफसर हो चाहे IAS अफसर हो, सबको एक तराजू पर ही तौला है। तो अब जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं, जो सिस्टम, जो भ्रष्ट ठेकेदार, इंजीनियर और माफिया का जो नेक्सस है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का हथौड़ा ऐसे नेटवर्क पर भी चलेगा जिससे जनता को अच्छी सड़कें मिलें, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो, और जो हमारी गाड़ी कमाई से जो टैक्स जाता है उससे सड़कें बनती हैं आरिस, तो ऐसी जो गाड़ी कमाई बर्बाद ना हो, जो सड़क चोरों के जेब में न जाए, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर यह है कि जो सड़क का पैसा है वो 30-40% ही सड़कों में लगता है, 60% कमीशन में चला जाता है। RP शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, वर्षों का उनका काम है, तमाम प्राधिकरणों में वो रहे हैं जो सड़क बनाते हैं, नगर निगमों में भी रहे हैं, अन्य विभागों में रहे हैं। शुक्ला जी से इसकी जो अंदर की बातें हैं वो हमें पता करनी होंगी, वो जाननी होंगी कि कैसे क्या नेक्सस चलता है, क्योंकि अब वो रिटायर हैं, चीज़ों को खुलकर बता सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के बाद भी एक जो रोड इंजीनियर जैसी वो बातें बताते हैं, हम लोगों को अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, उनका भी साधुवाद। तो साफ तौर पे हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, सुबह बोलेगा में अपनी बात रखिए, क्योंकि हमने सड़कों के गड्ढों को लेकर मुहिम जो है वो उठा रखी है। और RP शुक्ला जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। RP शुक्ला जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सर? शायद RP शुक्ला जी की आवाज़ हम तक, सर एक बार बोलिए, आपकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप क्या कहेंगे, आप उस सूबे की अगर बात की जाए तो गड्ढा युक्त सड़कें हैं, आखिर क्या वजह है? मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो सड़कें बनती हैं इतनी जल्दी गड्ढा युक्त क्यों हो जाती हैं? थैंक यू टू के न्यूज की जनता के, इतनी बहुत प्रबल शिकायत आपने उठाया है। माननीय योगी जी जब शपथ लिए थे तो उन्होंने यह प्रण लिया था कि 1.5 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो, और याद करिए सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई थी, परंतु अब अकेले मुख्यमंत्री तो कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात, इन PWD को इंडियन रोड कांग्रेस की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है कि सिर्फ सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा, उसकी साइड ड्रेनेज भी आप बनाइए ताकि जल भराव न हो सड़क पर, पानी का फ्लो हो जाए जिससे सड़क सुरक्षित हो। अब ये लोग कर क्या रहे हैं कि सीधे सड़क बना दे रहे हैं, ड्रेनेज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या ड्रेनेज पर उतना बजट नहीं खर्च कर रहे हैं। व्हाट यूर द रीजन वो तो PWD बतावे, परंतु नेशनल हाईवे ड्रेनेज का पहले प्लान करती, डिजाइन करती है, तब जाके रोड बनती है। तो पहली हमारी एक सुझाव है PWD को कि लेट देम फर्स्ट डिजाइन द ड्रेनेज और तब सड़क का निर्माण करें। इस कमीशन खोरी के सिस्टम को क्या कहेंगे, जो एक नेक्सस फैला हुआ है जिसमें जो है 30-40% जो है वो सड़कों में हिस्सा लगाया जाता है जो पैसा आता है, और जबरदस्त तरीके से कमीशन खोरी चलती है। एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि सड़कों का खस्ताहाल होना, क्योंकि सड़कों में सही तरह का
जो मटेरियल है वो नहीं लगाना और वो पैसा डकार जाना, सड़कों का चोरी हो जाना, इसको लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हैं, चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। लेट मी हियर। एक्चुअली बहुत आश्चर्यजनक हो रहा है कि योगी जी और मोदी जी के समय में ये कमीशन खोरी की बात आवे, ये बहुत ही आश्चर्यजनक की बात हो रही है, क्योंकि पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, कमीशन खोरी लगभग लगभग समाप्त हो गई है, परंतु कुछ विभाग हैं, जिनके जड़ में ये पहुंच गया है, तो इसको हटाना ये तो अब मोदी जी को, योगी जी को फ्री हैंड काम करने दीजिए, देखिए ये भी खत्म हो जाएगा। ये कैसे कह सकते हैं आप शुक्ला जी, कमीशन खोरी खत्म हो गया है, जबकि सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाताओं ने बताई पीडब्ल्यूडी की, नगर निगम की हकीकत, किस तरह से सड़कों को लेकर घोटाला होता है। अगर इतना कमीशन खोरी भ्रष्टाचार ना होता तो उत्तर प्रदेश की सड़कें तो चमचमा रही होती सर। कम नहीं हुआ है ये सड़कों का, ये जो बात कही जा रही है आपके लेवल से 40%, 30%, ये बहुत शर्मनाक है कि मोदी और योगी के जमाने में सुनने को मिल रहा है कि कमीशन खोरी हो रही है। यह हो रही है, बात सही है, आपके चैनल ने इसको उठाया, ये भी सही है। अब इसको कैसे खत्म किया जाए ये तो गवर्नमेंट ही निर्णय लेगी सर। ठीक है, अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। के अग्रवाल जी, योगी जी ने निर्णय लिया कि हम भ्रष्टाचार पे हथौड़ा चलाएंगे, वो चला रहे हैं, लेकिन जो नेक्सेस है, इंजीनियर्स का जो नेक्सेस है, आप भी उसी बिरादरी से आते हैं और आपका जीवन मैंने देखा है कि बहुत पाक साफ जीवन रहा है और आप तमाम बड़े महानगरों में रहे हैं, तमाम जगह आपने काम किया है, तो आप लोग जिस तरीके संजीदा से, मुझे पता है कि आप कैसे खड़े होकर पुल बनवाते थे सामने की, भाई जरा इसमें इतना मटेरियल हो जाए, खड़े होकर सड़कें बनवाते थे, रात्र में निकल जाया करते थे कि सड़कें जो रात में बनती हैं कहीं उसमें घपला घोटाला तो नहीं है, तो इस उत्तर प्रदेश में क्या अब आरपी शुक्ला नहीं बचे, क्या क्या इंजीनियर का जो काडर है वो पूरा का पूरा भ्रष्ट हो गया, सड़ गया है? बताएं, जवाब दें। विभाग को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा और संभवतः सभी जानते हैं कि क्यों हमारी वो पीडब्ल्यूडी विभाग आज की तारीख में ऐसे अपमान सह रही है कि 40% कमीशन की बात आ रही है। ये बहुत गहराई तक सोचिए, योगी अकेले योगी कुछ नहीं कर सकते, ए लॉट ऑफ मशीनरी इज देयर, उनसे वो भी क्वेश्चन उनसे पूछा जाना चाहिए क्यों ऐसा कर। हमारे साथ उमेश जी, जल्दी से अपनी बात को रखिए, उमेश जी से अपनी बात को रखें। उमेश जी ठीक है, हमारे साथ हैं लल्लन अपनी बात को रखें। भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं आदरणीय आरपी शुक्ल जी, पूर्व चीफ इंजीनियर हैं, जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी से खत्म हो चुका है, मैं दावे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में यह सिद्ध कर सकता हूं कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है जिस पे सरकार का कोई अंकुश नहीं है। आप चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले से ही आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लल्लन हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जैन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद मैं जमीर के पास जाऊंगा। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी, नमस्कार, बोलिए उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सड़कों का हाल है, इतना बुरा हाल होने का कारण ये है कि पीडब्ल्यूडी का महकमा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, वहाँ पे बाबू से लेकर चीफ इंजीनियर का कमीशन बटा हुआ है, ठेकेदार उन्हें कमीशन देते हैं और काम लेते हैं और पेमेंट करा लेते हैं और सड़कों की हालत बहुत खराब होती चली जाती है, उस पर मटेरियल सही नहीं लगता है जिसकी वजह से सड़कें जल्दी टूट जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी। जमीर अयोध्या से एक दर्शक हमारे साथ, जमीर अपनी बात को रखें जल्दी से। जमीर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, फिलहाल लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच आरपी शुक्ला जी कुछ कहना, माफ कीजिएगा, डॉक्टर ए के अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। ए के अग्रवाल जी, अपनी बात को पूरा करें। थैंक यू आरिस जी एंड दुर्गेन जी, डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल हो रहा है और शुक्ला जी के इनपुट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जो ह्यूमन नेचर है, प्रेमचंद के जमाने से ऐसी कहानियां हम पढ़ते रहे हैं कि करप्शन और की कथा हरी कथा जैसी अनंत हैं, लेकिन हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो कि इसके बावजूद, ह्यूमन नेचर को देखने के बावजूद भी रिजल्ट्स ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। मेरा सजेशन ये है, जैसे मेरा एक हॉस्पिटल है तो मैंने जितने भी इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जैसे लिफ्ट लगाई है, तो मैंने साथ ही साथ लिफ्ट की कॉस्ट के साथ ही मैंने उसमें कुछ कॉस्ट एडिशन करके उसकी 10 ईयर्स वारंटी के साथ वो लिफ्ट लगाई है। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई डिपार्टमेंट सड़कें बना रहा है 1 रुपए की, तो मैं उसको 1 रुपए 10 पैसे 20 पैसे दूं, लेकिन कहूं कि 10 साल तक इस सड़कों की गारंटी भी आप ही की होगी। तो वो एक बार खराब काम करके रन अवे नहीं हो सकते, एक बार खराब काम करके उसकी रिश्वतें बट के लोग जा नहीं पाएंगे, और लालच होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। दूसरी बात, मैं जो पॉलिसी मेकर हैं कंट्री के, उनको आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने अभी जब आपका फोन आया तो मैंने कुछ डाटा इकट्ठे किए, और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारी 1 ट्रिलियन का बजट है हेल्थ सड़कों का इंडिया का। अगर हम 1 ट्रिलियन जो कि लगभग 1 खरब रुपए है लगा देते हैं तो सड़कें बहुत ही एक साल में चमाचम हो जाएंगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमें खराब सड़कों से होने वाले एक्सीडेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्थ प्रोवाइड करने में भी लगभग 1 ट्रिलियन खर्च करना पड़ रहा है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहाँ मनी बचा पा रही है। भारत देश के जो भी प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, 1 ट्रिलियन हमने अगर सड़कों पे नहीं खर्च किया अच्छे से, तो हमें 1 ट्रिलियन की हेल्थ पे खर्च करना पड़ जा रहा है। तो क्यों ना हम सड़कों पे अच्छा करके हेल्थ बजट को सेव करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड, हमारे लिए ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि लगभग 10 लाख एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हर साल भारत में, और लगभग 400 से ज्यादा डेथ्स हो रही पर डे। जी जी जी, इनमें खराब सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पॉलिसी मेकिंग जो कि टॉप लीडर्स जैसे मोदी जी, योगी जी और हाई ऑफिशियल्स, IAS लोग तय करते हैं, उनको ये विजन मेरे ख्याल से हम होगी अवश्य, लेकिन साथ ही साथ बनाने के तरीकों पे मेरी गुजारिश है कि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर डालें और उन्हें विद वारंटी 10-15 साल 5 साल जैसा संभव वो करें, जिससे कि करप्शन पे थोड़ा सा। दर्शक, मैं आपके पास आऊंगा सर। दिनेश अयोध्या से काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी भी राय ले लेते हैं। दिनेश जी, अपनी बात को रखें। दिनेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। कैलाश झांसी से इस बीच हमारे साथ एक दर्शक है, कैलाश जी अपनी बात को रखें। हाँ भाई साहब, हमारा ये कहने का मतलब है कि के न्यूज की मुहिम चलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, सड़कें तो बनेंगी, मतलब ये है, लेकिन फिर वही सड़कें ना बने जो 6 महीने में उखड़ के फेंक जाती हैं, क्योंकि कमीशन खोरी जो है JEE हुए या JEE नगर आयोग या मेयर वगैरह, ये लोग जो कमीशन खाते हैं, ये कमीशन खोरी बंद होना चाहिए। जब मटेरियल अच्छा लगेगा तो सड़कें काफी दिन और काफी लंबे समय तक चलेंगी, नहीं वो फिर बनेंगी और फिर उखड़ के फेंक जाएंगी, क्योंकि सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि के न्यूज की मीम का बहुत अच्छा असर पड़ा, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है सर। धन्यवाद सर। ठीक है कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छी अपनी बात रखी, मैं इस बात को भी आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटा सा रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ खबरों का सारथी।
हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं, हुकुमदेव जी क्या आप मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है, तो भी पूरे बिहार का तो भी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, इस मुहिम के साथ हमारे जुड़िए, क्योंकि इस मुहिम का असर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, आरपी शुक्ला जी, डॉक्टर एके अग्रवाल, जो कि डॉक्टरी पेशे से हैं लेकिन क्योंकि देश के नागरिक भी हैं, लिहाजा उन्हीं ने एक डेटा निकाल के रखा कि भाई देश की सड़कों के लिए 1 ट्रिलियन जो है वो तकरीबन बजट होता है, इसके बारे में उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, सूबे की सड़कों की बात की जाए, उसका बजट क्या होता है और क्या आप सहमत हैं कि वो बजट क्या सही इस्तेमाल सड़कों पे होता है? सर, इसमें हमारा एक कहना है, कंसेप्ट डिजाइनिंग नहीं कर रही है पीडब्ल्यूडी। उन्हें इंडियन रोड कांग्रेस की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से फर्स्ट दे शुड डिजाइन द ड्रेनेज, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए बजट इज सफिशियंट, परंतु एग्जीक्यूशन ऑफ दैट बजट, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट बजट और उस पर कंसेप्ट क्रिएशन ऑफ दैट बजट नहीं हो रहा है, जिससे ये आरोप लग रहे हैं और कहीं ना कहीं तक ये सत्य भी है कि भ्रष्टाचार है। ड्रेनेज को लेकर आरपी शुक्ला जी बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि बड़े पैमाने पर मटीरियल में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। सड़कों को इस हिसाब से बनाया जाता है, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं वो इतनी घटिया क्वालिटी की होती हैं कि कहीं पे सड़क 2 महीने तक नहीं चलती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? सर, भ्रष्टाचार नीचे से नहीं होता, भ्रष्टाचार ऊपर से होता है, ऊपर से तो नीचे वाले सहयोग करते हैं उसमें, नीचे वाले निरीह होते हैं, they are bound to follow the instructions of the upper floor. अकेले योगी जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना कर, योगी जी ने बहुत संभारा है, बहुत कुछ संभारा, परंतु और लोग तो हैं मशीनरी में, उन वो मशीनरी क्यों सो रही है, क्यों ये आक्षेप लग रहे हैं हम गवर्नेंस के ऊपर? क्या कहेंगे शुक्ला जी की बात को, मशीनरी सो रही है, अधिकारियों में इच्छा शक्ति नहीं है,
योगी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे आदेश दे दिया गया, जैसा कि अभी कैलाश एक दर्शक जुड़े हुए थे, सड़कें जो हैं वो प्राधिकरण भी बनाते हैं और अच्छा खासा बजट होता है, नगर निगमों के पास बहुत बड़ा बजट होता है, पीडब्ल्यूडी मुख्य हाईवेज बनाता है, मुख्य बड़ी सड़कें बनाता है, मुख्य सड़कें बनाता है, हाईवेज का जो अथॉरिटी होती है हाईवे अथॉरिटी NHAI वो अलग काम करती है, लेकिन जो जिनसे सबसे ज्यादा सरोकार आम जनता का होता है वो नगर निगम की सड़कें होती हैं, प्राधिकरणों की बनाई सड़कें होती हैं और पीडब्ल्यूडी की बनाई सड़कें होती हैं। तो खाली एक विभाग पीडब्ल्यूडी ही भ्रष्ट नहीं है, मैं पूरे दावे और पूरी जानकारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। नगर निगमों में जो स्थितियां हैं वो भी सबसे छिपी हुई नहीं है, सब लोग जानते हैं वहां का ठेकेदार, अगली बार जब हम बैठेंगे आरिस तो ठेकेदार को जरूर बैठाएंगे, वो बताएंगे कि किस तरह उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है, किस तरह पैसे लिए जाते हैं, नीचे से ऊपर तक लोग कैसे वसूली करते हैं। वो कह रहे हैं भाई हम कितना मटेरियल लगा दूं, सिर्फ 60% जो टोटल कास्ट है वो हम कमीशन में दे देंगे, बचेगा क्या, हम भी तो कुछ कमाएंगे। तो पता चला कि जो कुल मिलाकर उन जो सड़क के हिस्से आया वो बहुत कम आया, तो सड़कें ऐसी भी बनेंगी। आरिफ शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पानी और बेईमानी ऊपर से ही चलती है, पानी भी ऊंचाई से नीचे आता है और बेईमानी भी, अगर ऊपर का अफसर सख्त हो जाए, विभाग का अगर सख्त हो जाए, विभाग का राज्य मंत्री अलग अगर सख्त हो जाए, और जो नीचे से ऊपर तक का जो चेन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो सख्त हो जाए तो मजाल है कि कोई भ्रष्टाचार कर दे। मुझे अच्छी तरह एक याद है कि एक विधायक हुआ करते थे, वो अपनी सड़कें जो उनकी निधि की सड़कें, ना कोई इंजीनियर बनाना चाहता था ना कोई ठेकेदार ठेका लेना चाहता था। मैंने ठेकेदारों इंजीनियरों से पूछा कि भाई ये अमुक विधायक जी की सड़कें आप क्यों नहीं बनाते इनके विधायक निधि की, कहा बड़ा झंझट है। पड़ताल करने में पता चला कि झंझट कमीशन का है, विधायक जी ना खाते हैं ना खाने देते हैं, और जब सड़क का शुरुआत करवाते हैं, जब श्री गणेश करवाते हैं तो खुद जाते हैं और 10-20-50 बोरी सीमेंट या मटेरियल और अपनी जेब से देते हैं कि भाई जो सरकारी एस्टीमेट आपका पास हुआ है उसके अतिरिक्त ये मेरी तरफ से, और एक बोर्ड लगवा देते हैं और जनता को इलाके के कहते हैं कि इस बोर्ड में जो जो कुछ लिखा है ये निगरानी करना आपका काम है कि इतना मटेरियल ठेकेदार और इंजीनियर लगा रहा कि नहीं लगा रहा। तो कुल मिलाकर जो सोशल सामाजिक निगरानी का काम है, अगर सामाजिक निगरानी को लेकर नेता अफसर सिस्टम, अगर सामाजिक निगरानी का एक सिस्टम डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक अंकुश लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई विभाग अछूता नहीं है, खाली पीडब्ल्यूडी ही इसका दोषी नहीं है, कई विभाग जो सड़कें बनाते हैं, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा है वहाँ एक अलग राग है, अभी हम आने वाले दिनों में एक एक करके विभागों की स्थितियों को, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की स्थितियों को हम जनता के सामने रखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या स्थितियां हो रही हैं। लेकिन इंजीनियर जो वहां के हैं वो किसी सुल्तान से कम नहीं है, आप देखिए पूरा का पूरा इंजीनियर कैडर एक मलाईदार पोस्टिंग में जमा रहता है, एटीट्यूड उनका बिल्कुल किसी मंत्री किसी प्रमुख सचिव किसी अपर मुख्य सचिव से कम एटीट्यूड इंजीनियर का नहीं होता है। आप उनकी झनक पटक को देखिए तो आपको लगेगा कि भाई ये कहीं ऊपर से उतरे हुए लोग हैं, किसी मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं, ये इंजीनियर साहब नहीं है जिनका काम है सड़क पर खड़े होकर एक एक चीज को निगरानी करके, भैया इसमें तारकोल कितना लगाया, गिट्टी कौन सी इस्तेमाल की, मोरंग का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। भाई सबसे बड़ा सवाल है, आरपी शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो ड्रेनेज का सिस्टम क्यों नहीं बनाते, अरे ड्रेनेज जो नाली है ना वही भ्रष्टाचार की नाली है आरिस, जो ड्रेनेज का सिस्टम जो नालियां नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको भ्रष्टाचार की नालियां बनानी है इसलिए नालियां नहीं बनाते, नाली बना देंगे तब सड़क बहेगी, ये सड़क खराब होगी तो सवाल जवाब होगा, अभी नाली का बहाना है लेकिन भ्रष्टाचार की नाली तो बना लेते पहले, और ये वाली पानी निकलने वाली नाली नहीं बनाते हैं, और कहते हैं साहब ड्रेनेज के लिए सिस्टम नहीं था इसलिए बह गया। डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि एक बोर्ड लगा देना चाहिए वहां पर, कल मैंने भी इस बात को कहा था बड़ी पुरजोर तरीके से कि बोर्ड लगा देना चाहिए, सड़क कब बनी, किस सन में बनी, क्या मटेरियल हुआ, कितना पैसा लगा, कौन इंजीनियर था, कौन ठेकेदार था, और कितने दिनों तक ये चलनी चाहिए, जो अवधि निश्चित की गई है
उससे दो साल और कम मान लीजिए कि ठीक है, 10 साल अगर किसी सड़क की अवधि है वो 8 साल में खराब हो जाती तो उसको फांसी पर मत चढ़ाइए, लेकिन अगर 5 साल में वो सड़क खराब हो जाती है तो उसको टांग दीजिए। जिस दिन ये सिस्टम होगा, इंजीनियर को टांगने लगेंगे, ठेकेदार को टांगने लगेंगे, सिस्टम सुधर जाएगा। आरिस, इसमें कहीं किसी को कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं निकट भविष्य में कि मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जो गवर्नेंस को और सख्त कर रहे हैं। दुर्गेन जी, आपने ये भी देखा, आपने आरपी शुक्ला बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आपने पीडब्ल्यूडी नगर निगम का जिक्र किया, हमने ये भी देखा कि कमीशनखोरी का खेल तमाम सरकारों के दौर से चला आ रहा है, सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन हमने ये देखा विभागों में जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी अधिकारियों पर, वो तो कभी होते दिखी नहीं। तो आखिर चीजें बदलेंगी कैसे सर? सुल्तानों पे चाबुक और हंटर चलाने वाला भी तो कोई होए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आरिस, जो जहां जमा हुआ है वो वही जमा हुआ है, वो जैसे ही कोई उनको लगता है कि तबादला हो जाएगा वो तुरंत जिस पानी और बेईमानी की बात शुक्ला जी कर रहे हैं, तब फिर वो ऊपर से कैनाल नहीं चलती, फिर वो अपनी पोस्टिंग अमुक स्थान पर बचाए रखने के लिए फिर पानी उल्टा बहाने लगते हैं, गंगा उल्टी बहने लगती है, फिर सीधी जो सीधी सीधे धारा आती ऊपर से वो धारा विपरीत जाके सीधे सीधे दरिया में मिलने लगती है, और फिर एक ऐसा अद्भुत संगम होता है कि सड़कें सामने हैं, सड़कें तालाब बन जाती हैं, सड़कें झील बन जाती हैं। इस भ्रष्टाचार का जो अद्भुत संगम है, ये अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में इससे ज्यादा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इससे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो बड़ी भयानक है, खराब है। डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखे और इन तथ्यों को कम से कम सरकारों को देखना चाहिए कि जितना हेल्थ का बजट है उतना ही सड़क का बजट है। 1 ट्रिलियन की बात की कि 1 ट्रिलियन का जो मसला है वो उतना सड़कों में बनाने में हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर खराब सड़कों की वजह से 1 ट्रिलियन का जो धन है वो उस अर्थतंत्र को हमें जो इससे सड़कों से जनित जो समस्याएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग विकलांग हो जाते हैं, उन स्थितियों में हमें हेल्थ के मद में खर्च करना पड़ता है। तो बेहतर है कि सड़कें बना लें तो हेल्थ के सिस्टम में खर्च ना करना पड़े और एक अच्छी खासी सड़कें हो जाएं। तो प्लानिंग के लेवल पर एक बड़ा काम करना होगा। हम वादा करते हैं कि हम इस तरह की चीजों को लेकर खुद शासन सत्ता तक जाएंगे, अपने के न्यूज के मन से भी इस बात को हम उठाएंगे और व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और डॉक्टर अग्रवाल जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा अभियान जो जिससे सरकार को मदद मिलेगी, जिससे मुख्यमंत्री जी को मदद मिलेगी या कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मदद मिलेगी, इस तरीके का एक सिस्टम जो पब्लिक का जो निगरानी सिस्टम है उसको डेवलप करना होगा। आरिस, मैं एक बार फिर कहूंगा कि जिस दिन जनता जाग जाएगी, भाई सड़क बन रही है, खराब बन रही, अच्छी बन रही, क्या खोद दिया, क्या निकाल दिया, कोई पूछता नहीं भैया कौन हो तुम, क्यों सड़क खोद रहे हो, कब बनी थी, कोई वर्क आर्डर नहीं मांगता। जिस दिन ये जनता इस लायक हो जाएगी, और है लायक, केवल वो संकोच करती है, अगर जनता पूछने लगेगी कि भाई सड़क कितने दिनों में बनेगी, कब तक चलेगी, कितना रुपया लगा है, क्या मटेरियल लगा रहे हो, अगर पूछताछ होने लगे, सोशल सिस्टम जो बन जाए, एक सामाजिक सिस्टम बन जाए निगरानी का, तो मुझे लगता है कि ये समस्या का हल मुझे निकट भविष्य में दिख रहा है। जी बेशक, तो लोग अगर पूछताछ करने लग जाएं तो हो सकता है कि स्थितियां जो बदलने लग जाएं। फिलहाल डॉक्टर एके अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं, सर बोलिए। या वाइज पॉपुलेशन वाइज हम दोनों ही कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज कहलाते हैं, और हम दोनों लोगों ने अंडर डेवलप्ड कंट्री से शुरू करा, लेकिन फर्क कहाँ हो गया कि चाइना और हम में बहुत अंतर हो गया। मैं कई बार चाइना गया हूँ, जैसा कि अभी हमारे पिछले लर्नेड स्पीकर कह रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत ही डेमोक्रेसी के नाम पे फ्रीडम है, और जो कि हम लोग इंजॉय करते हैं, कभी शादी बारात बल्ली बांस कुछ लगा लेते हैं, बड़े बड़े धाकड़ता से लगा लेते हैं। और मैं अभी चाइना गया था, बगल में गन्ने के खेत थे जो कि गवर्नमेंट के थे, आप एक गन्ना नहीं ले सकते, इतने बड़े पनिशमेंट्स हैं कि एक कहते हैं कि भय बिन होए न प्रीत। तो कृपया हमारे पॉलिसी मेकर्स को गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को डैमेज उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाना ही पड़ेगा, उसे डैमेज करने के सख्त नियम लागू करने पड़ेंगे।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 20 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं हमारे देश में और लगभग इतनी ही चाइना में है, जिसमें कि लगभग आधी, शुक्ला जी एग्री करेंगे मुझसे कि आधी सरफेस सड़कें यानी कि चिकनी और आधी लगभग जैसे गाँव में खराब तरह की सड़कें हैं। फर्क ये है हमारे और चाइना में, हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि सड़कें केवल चलने के लिए हैं, हम लोग ये मानते हैं, जबकि चाइना जैसे देश जो कि तेजी से अविकसित देशों से विकसित देश की तरफ जा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि सड़क इज द वे टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ का जरिया है अच्छी सड़कें। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी कहीं यहाँ से वहाँ पहुँचेगी। जो मैंने बताया कि एक तो हेल्थ में वन ट्रिलियन का लॉस हम लोग झेल रहे हैं और इकोनॉमी में लगभग 5 गुने का हमें नुकसान हो रहा है। अगर हमारी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि 3 चीज़ें आती हैं, सड़कें, रेल और इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये तीनों प्रोवाइड होती हैं तो हम लगभग जिस लेवल पे हैं अपनी ग्रोथ के, उससे 5 गुना ग्रोथ तुरंत इमीडिएटली आ जाएगी। इसे चाइना जैसे ताइवान उधर पूरे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज ने अच्छे से समझा हुआ है और दिन रात बढ़ रहे हैं। तो पॉलिसी मेकर से के न्यूज के माध्यम से मैं फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि सड़कें इज द वे टू द ग्रोथ, टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको अच्छे से समझें। सेकंड, भय बिन हो नप्रीत, कृपया सरकारी प्रॉपर्टीज को डैमेज करने के नियम कड़े करें। मैं समझ सकता हूँ कि भ्रष्टाचार पे बहस घंटों हो सकती है, लेकिन ह्यूमन नेचर है। लेकिन हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, वो ये 2 चीजें हैं, कड़ा दंड प्लस सड़कों को ज्यादा वैल्यू करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने कही। नीरज प्रयागराज से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। नीरज जी अपनी बात को रखें। हाँ भाई साहब, मैं नीरज द्विवेदी एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट इलाहाबाद में। जी बोलिए। मैं एक विषय रखना चाह रहा हूँ आपके पास। हम लोग शहर और गाँव का दोनों का अनुभव रखते हैं। गाँव में बोलिए, आप टीवी की तरफ ना मुखातिब होकर सीधे बात रखें जल्दी से। हाँ, तो उसमें बात यह आती है कि गांव में जो सार्वजनिक जमीनें होती हैं। हेलो। हाँ बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें नीरज जी, वक्त की कमी है। अच्छा, हमारा विषय केवल यह है, ये सड़क के अलावा कि जितनी भी जमीनें सार्वजनिक जमीनें होती हैं, चकबंदी समय से न होने के कारण वो जमीनें जैसे नाली की जमीन, सड़क की जमीन, घूर गड्ढा की जमीन कब्जा हो जाती है। उसको बचाने का एकमात्र रास्ता मेरे समझ में आता है कि ये चकबंदी समय से कराई जाए तो ठो जाए। 1970 में चकबंदी हुई थी और अभी तक न ही 50 साल हो गया चकबंदी को, तो उसको कराया जाए तो वो थोड़ा सा एक तरीका हो सकता है अपराध और ये जो रेवेन्यू से संबंधित प्रॉब्लम को निपटाने। नीरज जी बड़ा अहम मसला आपने बताया है। वास्तव में ये समस्या है, तमाम दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं और इस बात को दर्शकों ने कहा कि चकबंदी का मसला भी आप उठाइए, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे जहां आपने अभी फोन किया है वही हमारे असाइनमेंट पर आप दोबारा कॉल करके अपना नंबर नोट करा दें, हमारे लोग आपसे संपर्क करेंगे और इस मुद्दे को भी हम रखेंगे। किसी दिन हम चकबंदी का मुद्दा भी लेकर आएंगे और जो किसान है उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि हम जन सरोकारी पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं, सनसनीखेज चीजों से हम जरा परहेज करते हैं। यह बहुत तड़क भड़क ग्लैमर वाली जो पत्रकारिता है उसके बजाय जन सरोकारी और गांव गली की चीजें अगर हम ठीक कर ले गए तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित महसूस करेंगे कि कम से कम कुछ ना कुछ काम हमने किसानों के लिए कर लिया, नौजवानों के लिए कर लिया, हेल्थ में कर लिया, एजुकेशन में कर लिया, और हम एक माध्यम है, जनता जनार्दन है और जनता के लिए काम करना एक जन सरोकारी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य भी है। जी बेशक नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आरपी शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आरपी शुक्ला जी, आप सिस्टम में बहुत लंबे वक्त से रहे, जिस तरह से हम भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बात कर रहे हैं, सड़कों की तस्वीर दर्शक देख भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सूबे में सड़कों के हालात क्या हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि ये जो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि नीचे से ऊपर तक का खेल है, पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, ये सिस्टम आखिर क्यों नहीं रुक पा रहा, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों कार्रवाई नहीं होती, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
सर माननीय योगी जी को इस विभाग का चार्ज दे दीजिए, 15 दिन के अंदर सुधर जाएगा। हेलो, मतलब आपका कहना है अधिकारी सुधरेंगे नहीं, ऐसे सब सुधर जाएंगे, ऊपर वाले थोड़ा सख्त हो जाएं बस। दुर्गेन जी क्या कह, आरपी शुक्ला जी बहुत मतलब एक अलग इशारा कर रहे हैं वो, जी, वो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये अभी जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है मुख्यमंत्री सीधे नहीं देखते, हालांकि मुख्यमंत्री तो सभी विभागों का एक तरीके से ओवरऑल समीक्षा करते हैं और संबंधित माननीय मंत्रियों से बात भी करते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अगर सीधे ये विभाग जैसे अन्य विभागों कई विभाग हैं मुख्यमंत्री के पास, अगर ये विभाग सीधे हो उनके पास तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें कर पाएंगे। लेकिन चूंकि ये बहुत उस तरह का मसला नहीं है, मुख्यमंत्री जो है वो पूरा शासन सत्ता जो प्रदेश की सरकार होती है उसका मुखिया होता है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कहीं कुछ चीजें हो और उनको सीधा करने की कोशिश भी की जा रही पीडब्ल्यूडी के अलावा, और जैसे नगर विकास है, आवास है, ये विभाग भी सड़कें बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री कोई बात कहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में अधिकारी की हो और चाहे कोई और कोई हो, ऐसा संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री की बात को कोई ना माने, और नहीं मानेगा तो उसके लिए योगी जी को मनवाना आता है, उनके पास ऐसा हथौड़ा है जो एक बार में वो बिल्कुल ऐसे भ्रष्टाचार पर चोट करके उसे खत्म कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, अवशाद कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है, अवशाद जी अपनी बात को रखें। अवशाद जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, एक अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते थे, सर बोलिए। सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि योगी जी बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम काम करता है, इंडिविजुअल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम। हमारा देश बड़ा है तो हमें अच्छे सिस्टम बनाने होंगे, वरना हम इतने मोदी और इतने योगी कहाँ से तक लाएंगे। और सिस्टम ये कहता है कि जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, शुक्ला जी भी इससे सहमत रहेंगे, कि कैरेट इन वन हैंड स्टिक इन अदर, मतलब प्राइज एंड पनिशमेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो कि इन सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, उन्हें किसी को भी प्राइज आज तक नहीं दिया जाता। इसी तरह से जो करप्ट लोग हैं उनको पनिशमेंट भी होना बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर है। तो जब तक हमें ये सिस्टम में नहीं इनकल्टेट करना पड़ेगा कि जो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको कोई प्राइज पॉलिसी अच्छे से इनकल्टेट करें, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको इमीडिएट और क्विक एक्शन से पनिश करने का तरीका इनकल्टेट करें, तभी ये सिस्टम हार्ड बन पाएंगे। और वो कोई भी व्यक्ति आए, चाहे योगी आए या मोदी आए, वो सालों साल लगातार चलते रहेंगे। थैंक यू। ठीक, श्याम भदोई से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं, श्याम जी अपनी बात को रखें जल्दी। हाँ सर, जो सड़कें हमारे भदोही या वाराणसी और कहीं बन रही हैं वो आपसे अगर दिन में खराब हो जाते मालिक से घर पैसा दे रही है, जो शासन आदेश से पैसे आ रहे हैं उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन वो क्वालिटी की सड़कें रही है जो आपसे 10 दिन चलने खराब हो जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम भदोही से यही सवाल पूछ रहे थे कि सड़कों के लिए पैसा तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन ये पैसा आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है सड़कों पर, और ये सड़कों की हालत बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। लेकिन दुर्गेन जी जो बात डॉक्टर अग्रवाल जी ने की बहुत अच्छी बात की, हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, नीचे चली जा रही है, लेकिन अगर सूबे की या देश की सड़कें ही बेहतर हो जाएं तो इसमें कोई दग नहीं, क्विक रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिलेगा इकोनॉमी में भी। निश्चित तौर पर आरिश, डॉक्टर अग्रवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण चीजों की ओर इशारा किया है, लेकिन एक चीज जो देखने वाली है कि एक सिस्टम वाली बात डॉक्टर अग्रवाल ने कही कि सिस्टम तो बनाना होगा, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सिस्टम बनाना होगा, लेकिन सिस्टम में आप शुरुआती दिनों में आपको अगर भय नहीं होगा तो फिर कोई भ्रष्टाचार ना रुकेगा और ना कोई काम करने वाला है मेहनत से, तो भय तो बहुत जरूरी है, और भय उसे आप चाहे अनुशासन कह लीजिए चाहे कोई और नाम दे दीजिए, लेकिन भय के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता, भय बिन होए न प्रीत, जो कहा गया है रामचरितमानस में वो
कोई निरर्थक चीज नहीं है, वो बाकायदे देश काल परिस्थितियों के अनुसार ही चीजों को कहा गया है कि भाई आप जैसा जैसा देश वैसा बेश, अगर आपको शक्ति की जरूरत है तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर हैं या ये जो हैं ये लोग जिसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, और एक निगरानी सिस्टम जो मैं फिर कहूंगा एक जो पब्लिक जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक जो जन निगरानी सिस्टम है, उसका भी एक तरीके से उसको भी डेवलप करना होगा ताकि नीचे की बातें ऊपर तक पहुंच सकें। मौजूदा सरकार में सर आपको क्या लगता है, वो भय नजर आ रहा है अधिकारियों में, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि भय नहीं है, डर नहीं है, लिहाजा जिस भी विभाग में चला जाइए भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है और ये किसी से छिपा नहीं, लगातार हम खबरें भी दिखाते रहते हैं सर। आरिस, ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये केवल इस सरकार का मसला नहीं है, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारों से चला आ रहा है। एक से दूसरी सरकार को ये गिफ्ट में मिलता है। कहीं ये होता है कि कुछ सरकारें जो होती हैं वो सख्ती से इससे निपट के जनता का काम करा ले जाती है और अपना पूरा टर्म पूरा कर लेती है। मुझे लगता है कि इसमें शुरुआत में जो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि नहीं हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो एक कोरोना महामारी का 5-6 महीने का जो काल है उस दौरान आप देखेंगे कि बहुत सरकार की बहुत व्यस्तता रही, मुख्यमंत्री की बहुत व्यस्तता रही, चीजें बिल्कुल एक अलग तरीके की थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को एक महामारी से बचाना भी एक बहुत काबिले तारीफ बात थी, और काफी हद तक अन्य राज्यों को देखते हुए या दुनिया को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने काफी कुछ अपने आप को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास किए हैं। हालांकि उसमें भी तमाम चीजें सामने आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं, सरकार के स्तर पर जो प्रयास हैं, वो नीति निर्धारण नीति बनाना उसमें कहीं कोई बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब जैसे ही कोरोना काल से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अनलॉक हो गया, सब कुछ खुल गया है, आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी का जो मोड है वो बिल्कुल टॉप गियर में अब नजर आ रहा है। अभी जो उन्होंने कहा सड़कों को लेकर, जो हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है कई दिनों से, उसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए, मंडल की हर मंडल की समीक्षा में मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भैया सड़कें ठीक कर लो, गड्ढा मुक्त कर दो, नहीं तो फिर मैं मुक्त कर दूंगा, या तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करो या खुद मुक्त हो जाओ। तो अब मुझे लगता है कि गड्ढा मुक्त सड़कों की तरफ हम लोग बढ़े हैं, और गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी नहीं वरना फिर लोग मुक्त होंगे, क्योंकि 2-4 उदाहरण आईपीएस अफसरों को सस्पेंड करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखा के उनकी संपत्ति जांच करके मुख्यमंत्री ने संदेश तो दे दिया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ठीक है, अवधेश एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, अवधेश जी अपनी बात को रखें। सर ये मेरे को ना चकबंदी विभाग के बारे में जानकारी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा है मेरे गाँव में 1965 जब देश आजाद हुआ था तब से साला रास्ता अभी तक नहीं बन पाया, ठीक है, और ना सड़क बन पाई ना चकरोड। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री जन सुनवाई के माध्यम से मैंने हर जगह शिकायत लिख दी, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, विकासखंड अधिकारी, राज पंचायत, तो ऐसा कोई विभाग नहीं बचा होगा कि जिसके पास में 15 साल से शिकायत लिखते लिखते अब तो योगी जी की सरकार आई थी, उन्होंने जन सुनवाई माध्यम से उन्होंने सरल कर दिया कि कहीं जाने जरूरत नहीं है, आप तो जो मतलब बस कुछ नहीं, भूमिधर जमीन है हमारे पास में, समय नहीं है, चकबंदी आएगी तब होगा। अरे कब आएगी भाई, जब हमें परेशानी है, आज मेरे पास 8-10 गौवंश है, उनको चारा पानी लाने में इतनी दिक्कत होती है कि पूछिए मत। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल डॉक्टर एके अग्रवाल जी, वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आरपी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेन चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपने तमाम दर्शकों को सुना, गेस्ट को सुना, सड़कों की स्थिति के बारे में, कमीशनखोरी के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कई जगहों पर, जैसा कि अवधेश जुड़े हुए थे, लोग जागरूक हैं, सीएम से लेकर डीएम तक और डीएम से लेकर पीएम तक वो शिकायत कर रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया अधिकारियों को कि नवरात्र से पहले ये सड़कें बन जानी चाहिए, इसका असर कितना होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। सुबह बोलेगा मैं ताई, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हुकुम देव नारायण यादव जी हैं।